अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और बताएं जी, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक है? तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने कहा चलें जी, आपको कुछ हटके वीडियो देते हैं। कोरोना जो आजकल चल रहा है और जो इतने जी इश्यूज हो रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या मेडिसिन आप कौन सी ले सकते हैं, क्या खाना मस्त है? क्योंकि मोस्टली लोगों को ये होता है कि जी जिंक की प्रॉब्लम हो जाती है या जिंक की कमी की हो जाती है, या जिन लोगों को भी करोना होता है तो कहते हैं जी जिंक का आप इनटेक ज़्यादा करें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें। तो ये मैं एक दो चीज़ें ही हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें जी, ये है जी, ये न्यूट्रा फैक्टर की है, न्यूट्री फैक्टर की है, ये C500 कैल्शियम है इसमें और जिंक है, प्लस जिंक है, ठीक है। ये 60 टैबलेट्स होती हैं, ये नॉर्मली हर कोई ले सकता है ना, ठीक है। ये सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, तो इसमें कैल्शियम है और प्लस जिंक है, और ये नॉर्मली कोई भी बंदा जो है, मेरी बहनें, मेरे भाई, कोई भी ले सकते हैं, ये बहुत सेफ है। सेकेंडली ये है कि ये आप जो है ना, क्योंकि मेरे घर, अपने घर में ये यूज हो रही है, तो ये इससे ये होगा कि एक तो आपकी जिंक की आप में कमी नहीं होगी, आप देख सकते हैं इसको, देखिए। तो इसमें इससे ये होगा कि जी जिंक, आपका जिंक इनटेक रहेगा। दूसरा ये है कि कैल्शियम आपको इसमें मिलता रहेगा, तो ये बहुत ही बेस्ट है, सही है ना? ये आप देखें, क्योंकि ये मैं खुद यूज कर रही हूँ, हमारे घर में यूज हो रही है, तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ ना कि ये क्या है, ठीक है। ये देखेंगे, ये मैक्सिमम इम्यून सपोर्ट ना, आपका इम्यून सिस्टम ये स्ट्रांग करती है। ये देखें, ये सारा इसमें है, तो ये आपको कहीं से भी अवेलेबल होगी, कोई भी आप मेडिकल से ले लें, तो इसका इंटेक बहुत मस्ट है जो आजकल हालात चल रहे हैं उनमें ना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया कि दूसरा है जी ये वाइटमिन, ये D3 है ना, तो ये भी ये है कि ये भी नॉर्मली जो है ना वो आप ले सकते हैं। ये है जी, ये देखें जी, मैं करीब करके आपको दिखा दूँ, ये है जी 400 IU ना, तो ये आप, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए ही है, बहुत आपके इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्थी स्ट्रांग करती है। ये आपके घर में अगर जो बच्चे 14 साल के हैं और 15 साल के हैं, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चों को जो है ना वो सनी डी वगैरह या वो जो वाइटामिन डी की मेडिसिन आती हैं वो नहीं दे सकते, ठीक है। ये नेचर बाउंटी की है, तो इतने छोटे बच्चों के लिए ना ये होती है कि जी आप D3 ले लें, 10 उसकी है ये और 400 IU है, तो ये 14-15 साल, इससे कम नहीं, लेकिन 14 से स्टार्ट कर सकते हैं जो भी बच्चे 14 साल के 15 साल के हैं, क्योंकि आजकल हम जो बच्चे हैं वो सारा वक्त जो है वो होते हैं जी AC में, ठीक है ना, तो धूप वगैरह तो वैसे भी नहीं मिलती है। तो ये है, तो यहाँ पे ये है कि जी ये देख लें आप, तो इससे ये है कि जी विटामिन डी की भी आपको वो रहती है, डेफिशिएंसी नहीं होती है, और जो है ना इससे बहुत हेल्प रहती है, और ये कोई नुकसानदेह नहीं है, आप मतलब आप आराम से ये ले सकते हैं ना, क्योंकि 400 IU ज़्यादा भी नहीं है, और ये है कि मतलब बेस्ट है ये आप लोगों के लिए ना, ये आप लोग देखें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लेती हूँ वो है जी ये है डर्माजोन ना। अच्छा, जिन मेरी बहनों के बाल गिर रहे हैं या हेयर फॉल है उन्हें, या फिर जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, देखें इसमें है भी स्किन के लिए, थिकर हेयर है और ये स्ट्रॉन्गर नेल्स है ना, नेल्स वगैरह जिनके टूट रहे होते हैं, बढ़ते नहीं है, ये स्किन हेयर एंड नेल्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें बायोटिन है 2000 पर सर्विंग ना, तो आप देखें कि ये बायोटिन कितना मस्ट होता है हमारी स्किन के लिए भी, हमारे नेल्स और स्पेशली हमारे हेयर्स के लिए तो बहुत ही मस्ट होता है। तो ये आप नॉर्मली कोई भी, आप ये न्यूट्री फैक्टर की तो कोई भी ले सकता है, सही है। ये भी मैं यूज करती हूँ स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना ये बहुत ही बेस्ट है, सही है। तो ये आप देखें, ये स्किन हेयर नेल्स के लिए डर्माजोन की है, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जी हम बोलते हैं कि जी अभी क्या करें, हम जो है ना ये लें नहीं लें, लेकिन ये वाली मेडिसिन ऐसी हैं कि नॉर्मली आप आराम से इजीली आप जो है वो इनका इनटेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें ना। तो जी यही मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि मैं वीडियो में भी लेट हो गई, क्योंकि आज मैंने कहा आपको थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो देनी चाहिए ना, एक्चुअली मैं खानों की वीडियो दे रही होती हूँ या घूमने की दे रही होती हूँ, तो मैंने कहा चलें जी, कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उस जो है रिलेटेड मैं आपको बताऊँ कि जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद विटामिन डी के लिए ले रहे होते हैं कि जी सनी डी ले ली या जो भी ले लिया,
लेकिन ये जो है ना, ये जी बहुत ही बेस्ट है। सही है, ये तीनों मेडिसिन्स हैं। और डर्मेज़ोन तो मेरी बहनें जो हैं, जिनको इशू है हेयर फॉल का, आजकल बहुत ज़्यादा है, एलोपेशिया है, हेयर फॉल है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग ये इजीली ले सकते हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारा ना इसमें, ये बहुत ही बेस्ट है ये। ठीक है जी, तो अब यह है कि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जी इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड देन फाइनली ये है कि दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।